प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा 1 करोड़ बहनें लखपति बन चुकी हैं और हमें 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1000 से अधिक नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदियों द्वारा कृषि ड्रोन का प्रदर्शन भी देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों की राजकीय यात्रा पर मॉरिशस के लिए रवाना हुई। वे कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। इसमें लोकसभा चुनावों के लिए बाकी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले टिकटों को लेकर राजनीतिक दलों में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में कई उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में आउटर रिंग रोड का किया वर्चुअल उद्घाटन। शहर की 20 लाख से ज्यादा की आबादी को इस रिंग रोड का मिलेगा फायदा। रेलवे से जुड़े गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम की 482 करोड़ रुपए की 253 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 26 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के उद्घाटन समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उड़ान स्कीम ने खत्म की विमान यात्रा की खाई। पीएम मोदी ने पूरी तरह से इस खाई को समाप्त किया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि लोग जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने। लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 6000 से अधिक लोगों को मिली नियुक्ति। लखनऊ में कायस्थ समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा लखनऊ में होंगे और विकास के कार्य, जल्द ही स्वीकृत 9 फ्लाईओवरों पर काम होगा शुरू। धनबल बाहुबल को किनारे लगाकर पुराने कार्यकर्ता सुभाषपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल विच्छेलाल राजभर को सुभाषपा ने बनाया एमएलसी का उम्मीदवार। गोरखपुर से प्रयागराज तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 12 मार्च को रेलवे की कई योजनाओं का प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण। 5 रेलवे मार्गों के दोहरीकरण का भी किया जाएगा लोकार्पण। कांग्रेस से निकाले जा चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जिस जहाज के कैप्टन राहुल गांधी उस जहाज से सभी छलांग लगाकर भागेंगे। विधान परिषद चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों ने सीएम योगी की मौजूदगी में आज विधान भवन में किया नामांकन, जिनमें विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, संतोष सिंह प्रमुख रहे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर का प्रथम तल इसी साल नवंबर माह तक हो जाएगा तैयार। होली बाद काशी अयोध्या के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। सांसद साक्षी महाराज ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर किया पलटवार, कहा ममता ने पश्चिम बंगाल का किया नुकसान, उन्हें सत्ता में बने रहने का नहीं है अधिकार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की सिफारिश की। लखनऊ के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मारूक मिर्जा समेत 8 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। सभी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत के बाद हुआ निर्णय। विश्व मांगल्य सभा की पहल पर काशी में महिला नौका दौड़ प्रतियोगिता हुई। इस दौरान मणिकर्णिका घाट से पंचगंगा घाट तक महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में सेना के तीनों अंगों की भागीदारी वाले सैन्य अभ्यास भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे, जिसमें स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का समन्वित प्रदर्शन किया जाएगा।